दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमें स्टॉक मार्केट की पेड कॉल्स लेनी चाहिए या नहीं। जिन लोगों को नहीं पता पेड कॉल्स क्या होती हैं, उन्हें मैं बता दूं कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद को स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट बताते हैं और ये क्लेम करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग में वो जो भी प्रेडिक्शन करते हैं वो 80-90% सही होती है। तो अगर उनके बताए हुए टाइम पर आप बाय करेंगे तो आपको ज़्यादातर केसेस में प्रॉफिट होगा, ऐसा पेड कॉल्स देने वाले लोग कहते हैं। और वो उन कॉल्स के लिए पर मंथ 5,000 रुपीज़ से लेकर 20,000 रुपीज़ तक की फीस चार्ज करते हैं। तो दिखने में तो ये बहुत फायदे का सौदा नज़र आता है, क्योंकि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में हमारा प्रेडिक्शन 70% भी सही हो जाए तो हम रोज लाखों कमा सकते हैं, तो फिर 20,000 रुपीज़ देने में क्या जाता है। लेकिन अगर आप भी ये सोचते हैं तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि तभी आपको समझ आएगा कि क्या ये सच में फायदे का सौदा है या कोई स्कैम है। तो दोस्तों शुरू करते हैं एक एग्जांपल से। आपने टेलीग्राम और फेसबुक में बहुत सारे ऐसे चैनल्स और ग्रुप्स देखे होंगे जो डेली 5 लाख 10 लाख के अर्निंग स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं और ये क्लेम करते हैं कि अगर आप उनकी रिकमेंडेशन को फॉलो करेंगे तो आप भी अर्न कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको उनका पेड मेंबर बनना होगा। अब आजकल लोग स्मार्ट हो चुके हैं, इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते, तो ये लोग आपको भरोसा करवाने के लिए फ्री ट्रायल भी देने लगे हैं। लेकिन उस फ्री ट्रायल में होता यह है कि ये सिर्फ आपको फ्री ट्रायल नहीं देते, आप जैसे हजारों लोगों को एक साथ फ्री ट्रायल देते हैं। अब इस फ्री ट्रायल में होता यह है कि अगर ये 4,000 लोगों को फ्री ट्रायल दे रहे हैं तो एग्जाम्पल के लिए ये 2,000 लोगों को बोलेंगे कि आप TCS बाय कर लो और बाकी बचे हुए 2,000 लोगों को बोलेंगे कि आप TCS सेल कर दो, यानी कि शॉर्ट कर दो। इसके लिए कई बार वो दो ग्रुप या दो चैनल बना लेते हैं ताकि अलग अलग कॉल दे सकें। यहां पर मैंने TCS का नाम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया है, वो कोई भी स्टॉक बोल सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि या तो शेयर की प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, तो उनकी एक बात तो सच होनी ही है। अब मान लीजिए कि TCS की प्राइस बढ़ गई, तो जिन 2000 लोगों को उन्होंने कहा था कि प्राइस बढ़ेगी और बाय करने के लिए कहा था, उन लोगों को इन पर यकीन हो जाएगा। अब उस भरोसे को और ज्यादा बढ़ाने के लिए फिर नेक्स्ट डे वो उन 2000 लोगों में से 1000 लोगों को बोलेंगे कि आप रिलायंस बाय कर लो और बाकी बचे हुए 1000 लोगों को बोलेंगे कि आप रिलायंस बेच दो, यानी कि शॉर्ट कर दो। तो अब उस दिन भी रिलायंस की प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, तो फिर से 1000 लोगों के लिए उनकी कॉल सही निकल जाएगी। तो अब इन 1000 लोगों को इन पर बहुत ज्यादा भरोसा हो जाएगा, और अगर इन 1000 में से 500 लोग भी इनका पेड मेंबर बनने के लिए रेडी हो जाते हैं और 10,000 रुपीज़ इनकी मेंबरशिप फीस है, तो सिर्फ एक हफ्ते के अंदर इनकी कमाई 50 लाख रुपए हो जाएगी। और अगर ये ऐसा हर हफ्ते करते हैं तो इससे इनकी महीने की कमाई करोड़ों में होती है। तो इस तरीके से सिर्फ इन्हें प्रॉफिट होता है, जो भी लोग इनसे कॉल्स लेते हैं उन सबको लॉस होता है, क्योंकि कुछ लोगों को मेंबर बनाने के लिए ये हजारों लोगों का लॉस करवाते हैं और उसके बाद जो लोग इनके मेंबर बन जाते हैं उन्हें या तो ये कॉल्स देना बंद कर देते हैं क्योंकि पैसे तो मिल ही चुके हैं, या फिर अगर कॉल्स देते भी हैं तो वो बिना किसी रिसर्च के होती हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपको लॉस ही होगा। तो दोस्तों पहला पेड कॉल फ्रॉड तो ये चल रहा है, अब दूसरे फ्रॉड के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों दूसरे कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको कॉल्स देने के लिए आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं करेंगे, बस आपको जो प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ परसेंटेज लेंगे। तो ये ऑफर तो सबसे बेस्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हमें कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। अगर हमें प्रॉफिट होगा तभी हमें पेमेंट करनी होगी, और अगर लॉस होता है तब तो हमें कुछ देना ही नहीं है। बट ये लोग भी सेम तरीका फॉलो करते हैं, ये 50% लोगों को पुट बाय करने के लिए कहते हैं यानी कि मार्केट गिरेगा, और 50% लोगों को कॉल बाय करने के लिए कहते हैं यानी कि मार्केट बढ़ेगा। अब दोनों में से एक को तो प्रॉफिट होगा ही, क्योंकि या तो मार्केट बढ़ेगा या मार्केट गिरेगा। तो अगर इनकी कॉल्स लेकर आपको प्रॉफिट हो गया तो ये आपसे परसेंटेज ले लेंगे, और अगर आपको लॉस हो गया तो फिर इन्हें आपसे कोई मतलब ही नहीं है, और अगर आपको प्रॉफिट हो भी जाता है ना तब भी नेक्स्ट डे आपका लॉस करवा ही देंगे। तो अल्टीमेटली इन्हीं का प्रॉफिट है, आपका लॉस है। दोस्तों तीसरा, टेलीग्राम में बहुत सारे ऐसे चैनल्स बने हुए हैं जो फ्री कॉल्स भी देते हैं साथ ही साथ पेड मेंबरशिप भी सेल करते हैं, और ये क्लेम करते हैं कि अगर आप इनकी पेड मेंबरशिप ले लेंगे तो आपको 80% या 90% भी रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा ये आपको अपना पेड मेंबर बनाने के लिए अलग अलग तरह के ऑफर देंगे, जैसे कि अगर आप हमारे मेंबर बन जाते हैं तो आप एक ही दिन में फीस रिकवर कर लेंगे, या फिर हम आपको पैसे वापस करने की गारंटी देते हैं कि अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आपके सारे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। और आपको भरोसा दिलाने के लिए और ये साबित करने के लिए कि बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, ये आपको अर्निंग के स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे, और भी बहुत तरीके के लिमिटेड पीरियड ऑफर देंगे ताकि आपको लगे कि आपको इनकी मेंबरशिप ज्वाइन कर ही लेनी चाहिए और आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है।
तो एग्जाम्पल के लिए इन्होंने मॉर्निंग 9:20 पर आपको बैंक निफ्टी का कॉल बाय करने के लिए कहा, जिसकी प्राइस 450 रुपीज है। अब स्टॉप लॉस इन्होंने 400 का दिया और टारगेट 500 का दिया और आपने इनके रिकमेंडेशन पर बाय कर लिया, तो बहुत सारे केसेस में अगर प्राइस 20-30 रुपीज बढ़कर 480 भी हो गई ना और वहां टच कर वापस आ गई और 400 पे भी चली जाए जहां पे आपका स्टॉप लॉस है, तब भी इनके हिसाब से आपका टारगेट अचीव हो गया, क्योंकि प्राइस तो बड़ी है। लेकिन एक्चुअल में जब इन्होंने 500 रुपीज का टारगेट दिया है तो आप 500 रुपीज तक वेट करेंगे ना, और अगर 480 पे प्राइस जाकर वापस आ जाती है तो इनके ग्रुप में तो आपको सारे टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे, लेकिन एक्चुअल में लॉस हो रहा होगा। बट ये आपको सिर्फ प्रॉफिट ही दिखाएंगे, लॉस नहीं, क्योंकि इन्हें अपनी मेंबरशिप भी तो बेचनी है। अब ये तो मैंने आपको सिर्फ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो पेड कॉल्स के नाम पर फ्रॉड हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स हैं और बहुत बड़े बड़े लेवल पर हो रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि आपको पेड कॉल्स नहीं लेनी चाहिए। पहला, अगर आप किसी और की टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, आप सिर्फ कॉपी करने वाले स्टूडेंट बनेंगे जिसे मार्केट की कोई नॉलेज नहीं होगी। दूसरा, मैंने नोटिस किया है कि 90% अनएक्सपीरियंस लोग कॉल्स दे रहे हैं जिनका मोटिव सिर्फ आपसे पैसे ले लेना है, फिर आपको प्रॉफिट हो या लॉस इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, अगर कोई पेड कॉल्स देने वाला 80-90% रिजल्ट, मनी बैक गारंटी या अलग अलग स्कीम लेकर आ रहा है, तो वहां आपको थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और जहां रिस्क होता है वहां गारंटी नहीं हो सकती, और ये लोग फिर भी गारंटी दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। चौथा, स्पेशली टेलीग्राम में बहुत सारे स्टॉक मार्केट फ्रॉड चल रहे हैं। मेरे नाम से भी बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं। इवन एक स्कैमर ने तो मेरे नाम से फेक अकाउंट बना रखा था जिसमें कॉल्स दी जा रही थी और 5000 रुपीज पर मंथ फीस ले रहा था। तो आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और मेरी आईडी समझकर अगर आप पे कर देंगे और फिर आपको लॉस होगा तो आपको लगेगा कि मैंने आपको चीट किया है। और सबसे बड़ी बात, मेरे रियल टेलीग्राम अकाउंट में 190K फॉलोअर्स के आसपास हैं और उस स्कैमर के फेक अकाउंट में 300K से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो इस केस में आपको लगेगा कि जिसमें ज्यादा फॉलोअर्स हैं वही मेरा रियल अकाउंट होगा और आप उस पर ही भरोसा करेंगे, तो आपके साथ फ्रॉड किसी भी तरीके से हो सकता है। इसलिए ऐसे स्कैमर से सावधान रहें और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, सिर्फ वहीं से ज्वाइन करें। अब दोस्तों, मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी भी चाहते हैं कि उन्हें कोई कॉल्स दे। इवन मुझे डेली आप लोगों की मेल्स और इंस्टाग्राम मैसेजेस आते हैं पेड कॉल्स के लिए, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम कोई भी पेड या फ्री कॉल्स नहीं देते हैं। अगर हमें कभी फ्यूचर में लगेगा कि हमें कॉल्स देनी चाहिए तो हम हमारे यूट्यूब चैनल पर अनाउंस करेंगे। इसलिए हमारे नाम से अगर आपको कोई कॉल्स या डायरेक्ट टिप्स दे तो उस पर ट्रस्ट ना करें, और अगर आपको फिर भी कॉल लेनी है तो किसी से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से लें। लाइक एंजल वन ऐप में आर्क रिकमेंडेशन आता है, आप वहां से पेड कॉल्स ले सकते हैं, या फिर एंजल वन का एक टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी कॉल्स ले सकते हैं। बट एंजल वन के नाम से भी फेक अकाउंट बने हुए हैं, तो वहां भी सोच समझ कर ट्रस्ट करें। और एंजल वन से कॉल्स लेने के लिए आपके पास एंजल वन का डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आपके पास एंजल वन का डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मेन पर्पस है आप लोगों को स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो फ्रॉड चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी देना, ताकि जो नए लोग हैं उन्हें चीट ना किया जा सके। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली फ्री अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरी टेलीग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, सिर्फ वहीं से ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपके पास एंजल वन का डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से अपना फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।